भाई साहब क्या है ये? ओ राइट, ओ वेट भाई साहब। ओके यहाँ पे डंडा काटो, डंडा काट, जल्दी काट, जल्दी काट, जल्दी यहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी। ए बेटे ये पड़ा अबे बेवकूफ है ये। व्हाट्स अप गैंग, कैसे आप सभी लोग? तो आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं ब्लैक मिथ वुकोंग। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 3 में। आई नो तुम्हारा काफी ज्यादा मन होगा कि आज हमें आगे की साइड पे जाना है उस मंदिर की तरफ, बट भाई मैं कुछ ना अपने स्पार्क वगैरह सेट कर रहा था यहाँ सेल्फ एडवांस में, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा जर्नल में भी पढ़ने गया था, मतलब यहाँ पे ना हरेक बोस के लिए कुछ ना कुछ लिख रखा है। बट यहाँ पे जब मैं मेडिटेशन स्पोर्ट्स पे गया ना, तो मैंने यहाँ पे देखा मतलब कि जो अपना पहला चैप्टर था वहाँ पे तो 3x3 है, बट जो अभी हम सेकंड चैप्टर कल खत्म करके आए हैं येलो विंड रेज, वहाँ पे 5x6 है, यानी कि वहाँ पे कोई मेडिटेशन स्पोर्ट मेरा रहता था। एंड जब मैं वहाँ पे चेक करने गया तो गेस व्हाट भाई, वहाँ पे मुझे इतने तगड़े तगड़े से स्पोर्ट मिले ना, स्पोर्ट मतलब की जगह, वहाँ पे इतनी तगड़ी तगड़ी जगह थी ना भाई, तुम देख के हैरान हो जाओगे, मतलब क्या कुछ नहीं छुपा रखा भाई वहाँ पे। तो आज ना भाई वहीं पे चलेंगे, मतलब वहाँ पे ना काफी सारे बढ़िया हमें स्किल मिल सकती हैं, चेस्ट वगैरह मिल सकती हैं, या फिर कुछ और तगड़े से वेपन मिल सकते हैं। तो देखो यार इतनी बढ़िया गेम है, इतनी बड़ी गेम है, तो इस गेम को ना मैं ऐसे ही बिल्कुल अच्छे तरीके से रगड़ना चाहता हूँ भाई, ऐसे कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता मैं। तो फटाफट से चलो भाई चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। तो उसके लिए ना मुझे अपनी छोटी सी उस श्राइन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हम ट्रैवल कर सकते हैं। और ये अंकल वंकल तो स्टैचू हो गए ना, हाँ भाई ये तो हो चुके हैं, यहाँ पे मुझे भी ना ध्यान से रहना पड़ेगा, मतलब कि कभी मेरी भी कुल्फी ना बन जाए। ओके तो ट्रैवल करके ना येलो विंड रेज पे चलते हैं, एंड मुझे जाना है इस वाली जगह पे। ओके तो गाइज हम आ चुके हैं फिर से चैप्टर 2 में, यानी कि सैंड बायोम में, एंड मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे तुम्हें पता होगा मैंने उस छोटे से एंड बड़े से चूहे को हराया था। एंड हमें ना इस साइड से अंदर की तरफ जाना है, तो मैंने यहीं कहीं पे वो जगह देखी थी। एंड वेट यार ये छुचुंदर ना, इनसे ऐसे बच के जाना पड़ेगा मुझे भाई, मैं नहीं चाहता इनसे पंगा वंगा लूँ। सीधा हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है। ये देखो हमने एक ये भी सिगरेट डोर खोला था, बट जो बोला सिगरेट डोर है ना, हाँ यहाँ पे भाई ये देखो, मतलब कि ये पहले ना बिल्कुल ऐसे बंद था, बट यहाँ पे मैंने ना किसी को पीटा था, एंड जब उसको पीटा भाई यहाँ पे ये चीज खुल गई, बट मैं अंदर नहीं जा सकता। वेट क्यों, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मतलब अभी भी कुछ ना मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तब जाके ये मतलब दरवाजा खुलेगा। सब कुछ तो कर चुका हूँ, इसको कम्प्लीट भी कर दो भाई साहब, इसको पीटते हैं शायद से ये ओपन हो जाए। प्लीज यार ओपन कर दो। ओ तो हमें केव का बंदा मारना था, एंड तब हम इसके अंदर जा सकते हैं। मतलब अगर तुम भी गेम खेलते हो ना, पहले उस चूहे का मार आना जो आगे की साइड पे होता है। ऑल राइट तो चलते हैं इस केव के अंदर, एंड यहाँ पे देखते हैं भाई क्या कुछ है। भाई किसी तो गहरी खाई में नहीं, मतलब गुफा के अंदर जा रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन लोड हो रही है, क्या चक्कर हो गया? ओके तो मैं किसी गुफा के अंदर आ चुका हूँ, एंड भाई जगह दे, ओ वेट ये ऊपर से ओपन है, ओके काफी ज्यादा बढ़िया जगह है भाई। एक बारी सारी जगह चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, कुछ नहीं है। ऑल राइट तो वहाँ पे जो चेस्ट रखी है ना, उसमें देखते हैं क्या कुछ है। पहले यहाँ पे एक बारी ये देख लूँ मैं क्या चीज है। ओ गाइस भाई पहली बारी मैंने कोई ऐसी पेंटिंग देखी है जिसमें एक बंदर भी दिखा रखा है। ओके एंड ये शिक्षा ले रहे हैं इनसे। ऑल राइट तो इस चेस्ट में देखते हैं क्या है। ये नॉर्मल चेस्ट नहीं है, ऐसी चेस्ट मुझे अभी तक बिल्कुल भी कहीं पे नहीं मिली है। Long scales still hold sway their glory. Okay, तो हमें ना इसमें से कोई की आइटम मिली है, मतलब इससे ना हम कोई डोर वगैरह और ओपन कर सकते हैं। ओके तो यहाँ से बाहर चलते हैं, एंड इस की आइटम को ना कहीं कहीं पे लगा के देखता हूँ, एंड फिर देखते हैं भाई कौन सा डोर ओपन होगा। चलो चलो फटाफट से इस जगह से बाहर निकलते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बोस वगैरह होगा जिससे कोई स्किल मिलेगी, बट यहाँ पे कोई की आइटम थी। ऑल राइट गाइज हम आ चुके हैं टाइगर टेम्पल में, एंड गाइज यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक चीज दिखाने के लिए आया हूँ। मतलब तुम्हें पता होगा जो ये शेर का सिर था इतना ज्यादा बड़ा, जो एक सीक्रेट रास्ता था। एंड अगर तुमने नहीं देखा ना ये वाला सीन, भाई पिछली वीडियो जाके देखना, लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया सीन था वो। टाइगर को हराने के बाद ना फिर मैंने ये मूर्ति यहाँ पे एक्सेस करी थी, तब जाके ये सीक्रेट डोर खुला था। एंड मुझे ना 3 ऐसी मूर्ति और मिली थी जिनको मैंने एक्सेस कर लिया, बट यार मेरे पास ना ये एक मुंह और पड़ा है जो कई जगह पे लगना है। तो अगर यार तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे वो वाली लोकेशन बताना जहाँ पे ये मूर्ति होगी। अब चलते हैं हम अपने पहले चैप्टर में, तो मुझे जाना है इस आउटसाइड द फॉरेस्ट पे। ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं चैप्टर 1 में, मतलब यार चैप्टर 3 में जाके चैप्टर 1 में आ रहे हैं कुछ
बात समझ नहीं आ रही, बट वही बात है, काफी सारे सीक्रेट है जो अभी हमें ओपन करने हैं, इसलिए हमें वापस से आना पड़ा है इस जगह पे। फिलहाल मैं एनिमी को इग्नोर करता हूँ, हम चलते हैं उस वाली जगह पे जहाँ पे मुझे जाना है, एंड वो ना जगह इस साइड पे है। गाइस देखा भाई, कोई बोल रहा है, भाई कोई बोल रहा है ना, वो चीज मैं कह रहा हूँ, मुझे इस साउंड का फॉलो करना है। अबे भाई, संबान के बच्चे, पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, हैं? ज्यादा नाटक करेगा संबान। इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ओके, तो भाई ये वाला देखो, एग्जामिन, मतलब जो ये झरना है ना, मुझे पहले लगा मतलब नॉर्मल ये झरना है, तो लेट्स गो भाई, देखते हैं झरने में क्या कुछ है। भाई एक बिजली गिरी एंड सारा का सारा झरना बंद, क्या ये इल्यूजन था कोई? वेट, यहाँ पे घूम रहा है, ये इल्यूजन था? नहीं नहीं, इल्यूजन नहीं था, ऊपर से पानी आ रहा है तो यहाँ से भी पानी गिरेगा, बट अभी के लिए ये बंद हो चुका है। भाई इससे पहले कि शुरू हो जाए, फटाफट से अंदर की साइड पे चलते हैं, किसी तो हम गहरी खाई में क्यों बोल रहा हूँ मैं, गुफा में जा रहे हैं। ओके, इस साइड पे देखते हैं हमें कौन सी चेस्ट वगैरह या फिर बोस मिलने वाला है। एक तो हमने चैप्टर 1 का सीक्रेट बोस हरा दिया था, एल्डर जिनजी, जो वो गोल्डन कलर का रोता हुआ बच्चा था। वेट भाई, ये जगह छुपाई जा रही थी, यहाँ पे इतना बड़ा टेंपल एंड इतना बड़ा पेड़ है भाई साहब इस गुफा के पीछे। ओके भाई, यहाँ पे रहता है एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन। वो गाइस इलेक्ट्रिक ड्रैगन है भाई। ऑलराइट गाइस, तो चलो भाई फटाफट से इससे फाइट करते हैं। भाई थोड़ा सा थंबनेल वगैरह काट रहा था मैं, उसी में ये लपेट गया मुझे। ओए रुक जा, पता नहीं कहाँ कहाँ पे चढ़ रहे हैं। भाई ड्रैगन टाइप है एंड, हाँ ड्रैगन ही है, इसने अपने ऊपर ना घुंघरू लगा रखे हैं। अरे वेट 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 वेट, इसको आने दो, थोड़ा सा नीचे आने दो, रुक जाइए पे। ये कहाँ एंड अब ये कहाँ, वो गिर गया ये, फटाफट से इसको ना मारते हैं। ये कहाँ, वेट कोई ऑप्शन है ये? नहीं नहीं, वो मेरा फोकस पॉइंट है। ओके, मुझे लगा कोई ई का बटन प्रेस करने के लिए आएगा, और रुक जा, मैं ना इधर की साइड से लड़ता हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से दिखेगा। ओके, ओ भाई ये बेबलेट जैसे अपनी पूंछ घुमाता है, ओ भाग गया वो। ओके, ओ नहीं 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 नहीं, ओके वेट 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 वेट, ओके मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। डुप्लीकेशन, अबे डुप्लीकेशन नहीं करने दिया, रुक जा बेटे, अब तो तू किसने मेरी स्किल खराब करवा दी। फोरहेड, पीछे 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 पीछे। ओके ओ भाई, ड्रैगन है तो मैं ये बनता हूँ, अब तेरे में आग लगाऊंगा, रुक जा। ओके हैवी अटैक, अबे ये नहीं बेवकूफ, बड़े वाला, हाँ ये सही था भाई। क्या यार अपना इसना स्टैमिना बेवकूफ ने बेकार कर दिया, मैं निकलता हूँ यहाँ से, निकलता हूँ, इसको आग लग चुकी है, मेरे पास हेल्थ नहीं है। ओके ऑलराइट, थोड़ा सा इधर 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 इधर, ये बढ़िया, ये गिर गया गिर गया भाई ये। ओए इसने एक बिजली का झटका मारा एंड मैं फिनिश। ऑलराइट गाइस, तो चलो फटाफट से इसको डिफीट करने के लिए चलते हैं। भाई मैं तो इसको हल्के में ले रहा था, बट अभी तो तुम्हारा भाई इसको निपटा के जाएगा। ओके ये काट दिया डंडा, एंड अब आएगी मंकी गैंग प्लीज। ओके आ चुकी है, लेट्स गो, लपेटो इसको, बढ़िया, लपेटो 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 लपेटो, बढ़िया, लूट गया ये, लूट गया। yeah.
ओके रेड टाइट पीछे। ओ भाई अबे नहीं नहीं नहीं, मुझे इधर आना पड़ेगा, ये ना उधर लग नहीं रहा है इसको, थोड़ा सा यहीं बस 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 यहीं पे। अबे यहीं पे बेवकूफ, यहीं पे रह। ओके अबे ये गिर गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं पीछे 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 यार, ये यूज ही नहीं करने दिया है इसने रेड टाइड को। ओके रुक जाइए पे, बस मारियो मत मारियो मत, मैं बता रहा हूँ मारियो मत। बढ़िया, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, चिंगारे निकलने लगी हैं। घुमा पूछ, ये घुमाई पूछ। ओ बच गया। ओ भाई कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो रहा है, थोड़ी सी हीलिंग। ओके रेड टाइट, बढ़िया, जल्दी जल्दी आग लगानी है इसको। बढ़िया पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट पीछे हट, बेवकूफ जा, मारियो मत मारियो मत मारियो मत मारियो मत। अबे बेवकूफ है ये, बढ़िया वो लेट गया बेटे। अब शोक मारा ना, मैं देख ले मार दूंगा, शोक नहीं मरना चाहिए। निकल 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 निकल, ये पंजे मारता नहीं ये बेवकूफ। गो गया, केज ऑफ लोकी एडवांसमेंट भी मिल चुकी है भाई, कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था ये, इलेक्ट्रिक ड्रैगन था। ओ वेट ये, वाओ वो चेस्ट यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गई, मैंने बोला था ना कोई वो नॉर्मल चेस्ट नहीं थी। एंड गाइस मैंने बोला था ना भाई ये सीक्रेट जो जगह है वो ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट ड्रैगन था भाई ये। एंड इससे 1300 विल मिले हैं भाई हमें, एंड मुझे कोई लॉन्ग पर्ल भी मिला है, इसका नाम रेड लॉन्ग ड्रैगन था। ओके इस चेस्ट में देखते हैं फिर क्या है। ऑलराइट क्या मिला है,
थंडर टेल, कुछ मटेरियल मिला है, बुशन सेंसर, बस ये दो चीज़ें मिली हैं। बट गाइस एक बार ये लिटरली प्लेस देखो, कितनी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब यार यहाँ पे मंक हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, एंड ये जगह तो पता नहीं मतलब कि किस जगह पे बनी पड़ी है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एंड मैं नीचे नहीं जा सकता भाई, इस मंदिर के ऊपर जा सकता हूँ जो मतलब पेड़ के ऊपर है। यहाँ पे कोई सीढ़ी वगैरह होंगी। एंड भाई अभी तो पता नहीं ऐसी कौन कौन सी जगह मतलब जहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, मतलब इतनी खतरनाक सी दिखने वाली जगह होंगी भाई वो भी। मज़ा आ गया इस ड्रैगन से फाइट करके। और राइट मैं आया कहाँ से था, क्योंकि वहीं से हमें वापस भी जाना पड़ेगा मे बी, क्योंकि मैं बाहर तो निकला नहीं हूँ। कहाँ से आया था मैं, हाँ इस साइड से आया था। लेट्स गो, चलते हैं बाहर की साइड पे। ऑल राइट गाइज, मैं झरने से बाहर आ चुका हूँ एंड फिर से मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, बट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई उसको तो डिफीट कर ही आए हम। ओके श्राइन अपना वहाँ पे है, एंड लिटरली भाई बताओ ना मुझे इस तो जगह का मैप याद हो चुका है, मतलब मैप है नहीं बट यहाँ पे इतनी बारी घूम घूम के याद हो चुकी है सारी की सारी जगह। और राइट तो यहाँ पे अपना श्राइन है, एंड अब हम सीधा जाने वाले हैं सैंड बायोम में, क्योंकि भाई वहाँ पे भी कुछ सीक्रेट लोकेशन है। वैसे यहाँ पे भी हो सकती है बट मुझे अभी तो यही मिली थी, बाद में चेक करेंगे। ओ वेट, क्राफ्ट वेपन पे कुछ आया है। ओके शायद से कोई चीज मिली होगी, एंड वो अब इधर की साइड पे है। और राइट ये वाला कुछ न्यू वेपन है। वेट ओ गाइस, हमें ड्रैगन स्टाफ मिला है भाई, ये देखो इस पे ड्रैगन लिपटा हुआ है मे बी। भाई ये तो बहुत ज्यादा सही है, बट इसको मैं अभी क्राफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिफाइंड आयरन सैंड नहीं है। दो तो मुझे स्नो बायोम से मिल गई थी बट बाकी नहीं पता भाई कहाँ से मिलेंगी। ऑल राइट गाइस, हम आ चुके हैं सैंड बायोम में, एंड मुझे ना एक चीज दिखानी है तुम्हें इधर की साइड पे है। मतलब यार मैं यहाँ की कुछ चीजें पूरी कर रहा था, ये देखो अब ये ना मतलब कि बिल्कुल नहीं मारेंगे मेरे, क्योंकि मैंने ना इसको कुछ सोल ले आके दी एंड ये जिंदा हो गया था, एंड फिर इसको मैंने जब डिफीट किया तो ये एक मतलब कि मर्चेंट बन गया जिससे मैं चीजें परचेज कर सकता हूँ। यहाँ पे परचेज पे जाएंगे ना, यहाँ से हम ये काफी सारी आइटम ले सकते हैं। एंड भाई इसके पास ये बढ़िया चीज है, मतलब इससे ना हमें विल और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से मिलेगी जब हम एनिमी को डिफीट करेंगे। बट भाई ये 12,000 की आइटम है लिटरली, तो ये चीजें हम इससे परचेज कर सकते हैं। एंड गाइज यार अपने एक सब्सक्राइबर है दिव्यांश भाई, एंड वो मुझे पिछली वीडियो में बोल, एंड उनका कमेंट पिछली वीडियो पे आया था कि मैं जो बॉस वगैरह है ना उनको मैं ढूंढ ढूंढ के मार रहा हूँ। तो यार देखो मैं ऐसे करना चाहता हूँ मतलब जो भी चैप्टर है ना। और हाँ गाइज अपने एक सब्सक्राइबर हैं दिव्यांश भाई, उनको ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात लगी कि हम ना बॉस को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। एंड लिटरली भाई ये गेम ही इतनी ज़्यादा बढ़िया है भाई, बॉस ना कहीं कहीं पे छुपे पड़े हैं। तो अगर तुम्हें भी कोई लोकेशन पता है तो भाई जल्दी से बताओ, तो भाई ऐसे हम बॉस को डिफीट करते हुए चलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले गाइज अपने एक कुल सब्सक्राइबर हैं संतोष शर्मा जी, उन्होंने मुझे बोला था मतलब कि अपने जो रेलिक्स है ना उनको भी मुझे यूज़ करना है। एंड गाइज मैं भी इनको देख रहा था, मतलब जब हमने कल एक कोर हमें रेलिक्स मिला था तो मैंने इनको पढ़ा हमें कौन सा चाहिए है। और हाँ भाई एक प्रॉब्लम है, इनमें से बस मुझे एक ही मिलेगा, मतलब हम तीनों नहीं ले सकते, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, फोकस गेंड अपॉन कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसफुली लाइट अटैक हिट्स, हाँ गाइज ये वाला लेंगे। ओके तो हमने अपना पहला रेलिक्स तो ले लिया, अब चलते हैं दूसरे पे, फार्मिंग ईयर्स। एंड यहाँ पे ऑल ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट मूव, ये नहीं चाहिए। नैरो रॉक सॉलिड डेफ्लिकेशन, ये तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ। स्किल टेम्परेली इंक्रीज अटैक आफ्टर ए परफेक्ट डोज, ये कर लेते हैं भाई, डोज वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं हम तो फटाफट से ये कर लेते हैं। परफेक्ट डोज तो हमेशा ही रहते हैं, उसके कोई चक्कर की बात नहीं है। तो थैंक यू संतोष भाई आपको प्यारा वाला शाउट आउट इस टिप बताने के लिए। एंड हाँ दिव्यांश भाई आपको भी प्यारा वाला शाउट आउट। एंड भाई और भी अगर टिप्स वगैरह होना तो वो बताते रहा करो कमेंट्स में, लिटरली बहुत ज्यादा बड़ी गेम है तो जुत पड़ने वाली है। एंड अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पे जो लिटरली भाई पिछली वाले से भी खतरनाक होने वाली है। एंड ये पत्थर पीछे गिरेगा मुझे पता है भाई, इसकी आंख ना कहनी तो ये कहीं पे भी मूव हो जाता है। तो फटाफट से आगे की साइड पे चलते हैं, इनसे मैं बिल्कुल पंगा नहीं लेने वाला। ये देखो भाई कैसे निकल रहे हैं धरती में से। ओके तो यहाँ से मैं एक बारी रेस्ट कर लेता हूँ जो कि अपनी सारी एचपी वगैरह भर जाए। एंड अब चलते हैं आगे की साइड पे। एंड भाई जो हमने वो पत्थर वाला मॉन्स्टर कल जिंदा किया था ना भाई, ये देखो यहाँ पे जो ये बुद्धा का सिर है ना, मतलब यहीं से मैं सोल कलेक्ट करके गया था इनकी आंखों से। एंड वेट, अबे भाई साहब बताने भी नहीं देते भाई ये तो। ओके मुझे जाना है इस साइड पे, मतलब यार मैं पहले भी यहाँ पे आया था बट वो डोर ना उस टाइम नहीं खुला था। अभी तो खाता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, इसको पहले ऐसे तोड़ना पड़ेगा फिर चलते हैं। ऑलराइट गाइस हम आ चुके हैं एक न्यू लोकेशन पे, एंड यहाँ पे ये जो तुम पिग देख रहे हो पहले ये यहाँ पे बैठा था ठीक है, एंड ये ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखा था तो ये फिर मुझे कहने लगा मुझे कुछ मतलब के वाइन वगैरह चाहिए, मीट खा के मैं थक गया हूँ तो मैंने इसको ये दी। एंड ये फिर चला गया टाइगर टेम्पल में तो मैंने उसको भी खाना दिया। एंड भाई फिर पता नहीं कि मन में क्या आया, यहाँ पे आके ये खड़ा हो गया एंड मुझे अब नहीं पता ये क्या करने वाला है।
एंड जो इसके पीछे वो तुम इतना ज़्यादा बड़ा डोर देख रहे हो, मतलब तुम्हें भी लग रहा होगा वो खुलने वाला है। तो भाई मैंने भी उसको खोलने की कोशिश करी थी, बट वो उस टाइम नहीं खुल रहा था, तो मुझे अब नहीं पता वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। इससे बात करके देखते हैं अब क्या सीन है। ओए वेट, अबे यार तुझे कल ही तो खाना खुआया, अब तो लड़ने के लिए आ गया। ओ भाई साहब, भाई ये नॉर्मल पिगी नहीं है। रुक जा बेटे, ऐसा वो पहली बार ही देखा है भाई, छुरे पूरे जो भगा के मारता है। ये कहाँ, वैसे हल्का ही है, मरेगा मरेगा ये मरेगा। ओ भाई अपने सींग का भी इस्तेमाल कर रहा है ये तो। ओके थोड़ी सी हील, बच गया। पीछे पीछे पीछे, भाई यार सांस भी ले लेता हूँ। ओके बस लास्ट डंडा पड़ेगा ना इसके, जब मरेगा ये। बस अटैक नहीं करना चाहिए, अटैक नहीं अटैक नहीं अटैक नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, यही तो पंगा है। अबे यार मेरा भी डंडा जब ही चार्ज हुआ जब इसने छुरा मार दिया। बेटे पिंकी धोखा दे दिया ना तूने। ओके धोखा करने वाले के साथ यही होता है, पड़ा ना मुंह पे डंडा। क्या फाइट करी है बेटे, डंडा बाज हैं, डंडा बजा देंगे। ओके तो ये खुश हो चुका है, एंड अब ये मुझे खुद डोर के अंदर लेके जा रहा है, तो यानी कि ये वाला डोर इसकी निगरानी में था भाई। तो भाई पहले ही ले जाता जब तुझे कल मतलब के वाइन दिया था खाने के लिए। एंड वेट, इससे स्काउट मार्क्स मिला मुझे, भाई इसका मार्क्स मिल गया, एक बारी पहन के देखते हैं। ये रहा यहाँ पे। एंड वेट, इससे तो भाई 1% डिफेंस कम हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बारी मैं पहन के देखता हूँ लग कैसे रहे हैं। ओ भाई अबे सेम यही बन गए। एक बारी ना मैं रेस्ट करके आता हूँ, मुझे नहीं पता अभी आगे क्या चीज़ होने वाली है, तो फटाफट से एक बारी रेस्ट मार के आते हैं। अब ये नहीं पता अभी रेस्ट करने के बाद उससे दोबारा लड़ना पड़ेगा कि नहीं। वैसे यार ना ही लड़ना पड़े वही ठीक है, कभी यहाँ पे फिर से अपना बड़ा सा पेट लेके खड़ा हो जाए। ओके ओके नहीं है नहीं है भाई, मैं तो ये मूर्ति देख के डर गया था। ऑलराइट गाइस, चलो चलते हैं फटाफट से अंदर की साइड पे। एंड हाँ, मुझे जो एक स्पार्क मिला था उसको भी फटाफट से मैं यूज़ कर लेता हूँ। चलते हैं सेल्फ एडवांस में, एंड मुझे जाना है इस पे ट्रांसफॉर्मेशन पे, मैं ना यहाँ पे कर लेता हूँ जो कि ये जल्दी से रिकवर हो जाए, जो अपना रेड टाइड है। तो चलो गाइस फटाफट से अंदर की साइड पे चलते हैं। एंड ये देखो, ऐसे नहीं मैं जा सकता, मैं पहले ऐसी कोशिश कर रहा था, यहाँ से जाना पड़ेगा। गो इन। ओके ओ वेट, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है एंड गेम लैग हो रही है, तो इसका ओ वेट, मैंने इसको मार्क्स पहना रखा था एंड इसका मार्क्स उतर गया कैसे। एंड ये यहाँ पे खड़ा है, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्या देख रहा है। ओ गाइस भाई कितना बड़ा टेंपल है। Not see the ancient moon. Man in our time, but this moon has shone on men of yore. Ancient moon. Behold, be it the realm of sunset or the realm of gold, it's but an echo of the past. Legends speak of an ancient, colossal beetle in these sands. बड़े जो पूर्वज थे ना वो कहते हैं मतलब कि इस सैंड में ना एक बीटल रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा, भाई वो स्टोन से भी लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ा है, मतलब कि इतना ज़्यादा डिफेंस है उसका, वो स्टोन जिस स्टोन से भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। The king named the Rat Guai, the royal sage, and built a shrine in his honor. He sees the tongue monk using the new power. हाँ, वहाँ पे हम खड़े हैं, Sun Wukong upon the yellow wind ridge. Besides that, the formidable wings veil the vast expanse of the sky.
है. Were it not for Bodhisattva Lingji, Tongue Monk's quest for the scriptures would have failed. Yet, stripped of the rat's protection, the kingdom was plunged into a state of ruin. The once lush yellow wind ridge now lies a desolate wasteland. ओके गाइस, इसी करके इसका नाम डिसोलेट डस्क है. एंड जो यहाँ पे रैट हैं, मैंने तुम्हें बताया था ना कल की वीडियो में, उनका राज है. तो उस रैट को मार के जिनका हमने उसको सिर लुटाया था ना, उस भगवान को, वो उनको यहाँ पे मानते थे. तो वो भी कुछ नहीं कर पाए जब उस रैट का यहाँ पे राज चलता था. तो उसने पूरे यहाँ पे डिसोलेट डस्क आइलैंड पे अपना राज चलाया. तो ये थी वो स्टोरी. बट यार मुझे बीटल का कुछ समझ नहीं आया. बट एक अच्छी बात है, पता नहीं मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, बट यहाँ पे अपने को सेव का ऑप्शन मिल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है भाई. हमें इतनी दूर से नहीं आना पड़ेगा. एंड हाँ गाइज, इन बातों में ना सन वूकोंग की भी बात हो रही थी, तो तुम ये कंफ्यूज मत होना. मतलब कि हम सन वूकोंग हैं. जो सन वूकोंग हैं वो अपनी जर्नी को पार करते हुए इस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं. तो हम तो बस एक योद्धा हैं जो इस जर्नी को एक बारी दोबारा से पार कर रहे हैं, इन रेलिक्स को इकट्ठा करते हुए. तो ये हमें कुल मिला के 6 इकट्ठे करनी है. तो 2 तो हमें मिल चुके हैं. अब चलो फटाफट से आगे की साइड में चलते हैं. ऑलराइट, लेट्स गो भाई, चलते हैं, देखते हैं जर्नी हमें कहाँ कहाँ पे लेके चलती है. भाई अभी तो बहुत ज़्यादा दूर जाना है. एंड लिटरली भाई मज़ा आ गया. मतलब कि होल्ड इट वे, ओ गाइज भाई यहाँ पे टाइगर खड़ा है. इसको तो पहले हम डिफीट करके आए थे. I am the vanguard of the Yellow Wind King. Okay, maybe शायद से इससे फाइट होगी. Please भाई फाइट मत करियो. I will have it. Oh wait, Tiger Vanguard. भाई कैसे मैंने इसको मार दिया? अच्छा ये Tiger Van, हाँ मार दिया था मैंने इसको. अबे रुक जा, रुक जा यहीं पे. Oh नहीं. Okay, थोड़ी सी heal. अब पता नहीं भाई ये कितना ताकतवर है. थोड़ी सी तो एच पी इसके कम कर दिया है. एंड गाइस रुको यार, ये इतना ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है ना, थंबनेल के लिए काम आएगा. इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं. ओके मुझे ऐसे करना है. 2 मिनट इसको धूप में आने दो. अबे भाई धूप में आने के लिए बोला तुझे. ओह भाई दहाड़ता भी बहुत है ये तो. ओके तो गाइस यार थंबनेल वगैरह काट लिया, फटाफट से ऐसे फाइट करते हैं. लिटरली बहुत ज़्यादा बिगी बिल्ली है ये. ए रुक जाइए फिर. देखा ए बिगी बिल्ली नहीं है भाई, बिगी बिल्ली नहीं है, बिगा बिल्ला है. ओके जल्दी मार, जल्दी मार, जल्दी काट. बढ़िया रेड टाइट. आ जा भाई, अब होगा बराबरी का मुकाबला. ओ भाई साहब यार इसको देख के ना हर कोई चिंगर जाता है. इधर आ, इधर आ जा, अभी डंडा काट रखा है. अबे आ जा भाई. हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है. ओ नहीं 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 नहीं, एकदम वो मारूंगा. ये मारा. ओ ये रुक क्यों गया था? अबे नहीं यार मैं मार नहीं पाया वो. चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं. देखो यार इससे ध्यान से लड़ना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल भी है नहीं है. बस थोड़ा ना ये ओल्ड टाइगर ये थक जाता है. ओके मंकी गैंग आ चुकी है. वो ये हवा में स्लैश मारता भाई. नहीं इसको पता है, इसको पता है मंकी गैंग आ चुकी है. तो ये देखो जाइए पे. हाँ हम दोनों पीट इसको, पीट पीट, मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है. ये पड़ा इसको, थोड़ा हट जा हट जा हट जा हट जा. लात मारेगा, लात मारेगा. ए बेटे ये पड़ा. टाइगर वैनगार्ड तेरी तो कहानी खत्म. ओ अबे ये ओल्ड है ना, मैंने बोला था. वो देखो पीठ अकड़ गई इसकी. स्टफ वर्क यू व्हील्स ग्रैंड माइस. हां बेटे डंडा बाज है. ओए व्हाई नॉट यूज दिस माइस वाओ टू एड माय किंग्स गुड डीड. गाइस ये तारीफ कर रहा है हमारी. मतलब यार ये काफी ज्यादा अच्छा टाइगर है. वो पहले वाला जो मिला था ना वो थोड़ा अजीब था. एंड इससे टाइगर
टैली की कुछ हमें चीज मिली है एंड इसे बात करने की, ओ आगे सेव करने का पॉइंट है, बट एक बार मैं इससे बात करना चाहता हूँ। Being a father of two little ones. My life is not mine. Okay, तो गाइस ये कह रहा है मतलब कि मेरी एक फैमिली है जिस वजह से मैं आगे नहीं जा सकता, मतलब अगर फाइट में कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो ऐसे रह जाएंगे, तो इसलिए शायद से हमें खुद जाना पड़ेगा, ये हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं। वेट किंगडम ऑफ शाली ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, मैं पूरा अच्छे से पढ़ नहीं पाया। बट गाइस यार ये कितनी ज़्यादा बढ़िया जगह है, मतलब यार सोच रहे हो तुम इतनी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया जगह है, सीक्रेट प्लेस है एंड वाओ मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। देखो यार सेव वगैरह कर लेता हूँ, बट मैं पहले इधर किस तरफ जाना चाहता हूँ। इधर एक चेस्ट रखी है, ओ भाई ये वाली चेस्ट ना कुछ अलग है, ये हमें पहले नहीं मिली हैं। ओके नोट ऑफ वुडनेस एंड इसमें से दो दो चीज़ें मिली हैं भाई, गोल्ड रिज बीस्ट ओके एंड आगे क्या चीज़ है आगे भी भाई, प्लीज़ यार मोस्टर वगैरह ना मिल जाए, मैंने सेव वगैरह नहीं कुछ किया है। ऑलराइट यहाँ पे क्या चीज़ है, ओ ये छोटा मोटा शेल्टर है एंड अंदर जाने का रास्ता है, नहीं नहीं वो वैसे ही है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओ वेट यहाँ पे कुछ है। ओके भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीक्रेट प्लेस को फाइंड करके। ओ यहाँ पे है मेडिटेशन पॉइंट, भाई इसी तो ढूंढ रहा था मैं, इसके लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो अगर मैं जर्नल में जाऊंगा ना तो यहाँ पे येलो विंड रेज ये 5x6 है, तो अब इसे लेके देखते हैं क्या ये 6x6 होगा। लेट्स गो मेडिटेट करते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं इस स्टोरी के बारे में हमें क्या दिखाते हैं। ओके ओ भाई वहाँ पे कोई मूर्ति है जो मैंने देखी नहीं है भाई उसको, हाँ हाँ ये अच्छा ये तो वही राइट की मूर्ति है ना, वो राइट भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेस है यहाँ पे। ओके तो गाइस हमें एक स्पार्क भी मिल चुका है एंड इस स्पार्क को मैं लगाने वाला हूँ रेड टाइड में। भाई फटाफट से पहले उसका रिकवरी का टाइम बढ़ाते हैं जो कि वो जल्दी जल्दी से आ सके, लेट्स गो। एंड एक बार मैं ये भी देखता हूँ भाई जनरल में चल के, अब 6x6 हो चुका है। ऑलराइट भाई 6x6 हो चुका है, तो यानी कि यही वो हिडन प्लेस थी जहाँ पे हमें मेडिटेट करना था। ओके अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अब मैं चलता हूँ सीधा आगे की साइड पे क्योंकि वहीं से हम आए थे एंड मैं इस जगह से आया था, हाँ हाँ वहाँ पे वो टाइगर खड़ा है ना तो इसी जगह से आया था एंड इधर की साइड पे मुझे देखना है इधर की साइड पे क्या है। ओ गाइस यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति है भाई, काफी ज्यादा प्यारी जगह है, बट अभी ना मैं पहले सेव करता हूँ एंड वहाँ पे भी कोई खड़ा है। ओके पहले सेव करना जरूरी है जो कि हम वापस से यहीं पे आ जाएं। लेट्स गो अगरबत्ती लगाओ एंड मुझे ना यहाँ पे रेस्ट भी करना है क्योंकि थोड़ी सी पावर्स मेरी जा चुकी हैं। लेट्स गो फटाफट से रेस्ट कर लेते हैं एंड सारी अपनी चीज़ें फुल हो चुकी हैं एंड अब चलते हैं उधर की साइड पे। पहले आगे नहीं चलता हूँ, वहाँ पे कोई ड्रम लेके खड़ा है बट पहले मैं इधर की साइड पे जाऊँगा। ओके कौन है यहाँ पे, ओ कितना बढ़िया पेड़ है भाई एंड कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं है एंड यहाँ पे ओ चेस्ट है यहाँ पे, लेट्स गो इसलिए तो आया था मैं, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ओके क्या मिला है, माइंड कोर मिला है भाई जिससे हम अपने वेपन वगैरह क्राफ्ट वगैरह करते हैं। ऑलराइट गाइस अब इसके पास चलते हैं, ये किस लिए खड़ा है यहाँ पे, ओ वेट गाइस ओ वेट ये यहाँ पे क्या कर रहा है। गाइस ये तो वही है ना जिससे हमने फाइट करी थी, वो जो भगवान का सिर लेके बैठा था भाई उसके पास ही था ये इतना बड़ा वेपन, भाई इसको तो मैंने मार दिया था, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। You bested my vanguard. गाइस ये वो ही है, ये कह रहे तुमने मेरे वैनगार्ड को डिफीट कर दिया। ड्रम्स वेट क्या करने वाला ये, इफ यू आर विलिंग आई आस्क यू टू सीज इट्स वेसल एट द राइट टाइम देन द याओगुआई विल बी माइन। ये कह रहा है यही सही टाइम है इसको बजाने का, क्यों भाई ऐसा क्या होने वाला है। ये तो जब बजाते हैं ना जब जंग वगैरह शुरू होती है, यहाँ पे कौन सी जंग शुरू होने वाली है भाई, जंग का साउंड भी शुरू हो चुका है। बट यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने उसको डिफीट कर दिया था ये यहाँ पे क्यों है। भाई साहब क्या है ये,
वेट, इसे बीटल की बात हो रही थी। ओके, क्या नाम है? हुबान। गाइस भाई, ये मैं तो बोल रहा हूँ, इससे फाइट करनी पड़ेगी। ई टॉक, ओके, मैं इससे बात भी कर सकता हूँ। हेलो सर, क्या हाल चाल? पहले आप ये बताओ, आप जिंदा कैसे हो? अबे यार, तुझे मार दिया था इतनी मुश्किल से। एंड वहाँ पे वो बीटल, वही भाई, यहाँ पे इतने सारे मंदिर ही मंदिर हैं, एंड इस सैंड में ये बीटल। ओके, तो इससे बात करके देखते हैं। ओके, तो गाइस यार, मेरी इससे बात हो चुकी है, तो अब सीधा चलते हैं नीचे की साइड पे। भाई यार, ये तूने क्या बुला दिया। ओके, मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ओ वेट, ओ भाई, मेरी हेल्थ वगैरह तो है, ठीक है ना? हाँ भी ठीक है। गाइस, अब होगी असली फाइट। भाई वो अंदर चला गया, भाई अंदर चला गया। अबे वेट यार, कहाँ से आएगा तू? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ भाई, बाद में टाइम नहीं मिलेगा डिफीट करने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो चलो भाई फटाफट से फाइट करते हैं। अबे वेट यार, मुझे तो तेरे मूव भी नहीं पता, क्या करने वाला तू? ओ वेट भाई, कितना गंदा डैमेज दिया इसने। ओके रुक जाइए पे। ओके, ये पड़ा इसको, ओ काफी ज्यादा सही डैमेज पड़ा है। ओए, ये सही पड़ा। ओके, बचले 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 बचले, थोड़ी सी हील। ओह, ये शॉक वेव भी मारता है। ओके, ओ नहीं, वो फिर से अंदर चला गया। ओके, कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, इधर से आएगा। ओ वो इतनी दूर से आ रहा है भाई। ऑल राइट, ओ वेट भाई साहब। ओके, यहाँ पे डंडा काटो, डंडा काट, जल्दी काट, जल्दी काट, जल्दी यहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, मल्टीपल, प्लीज प्लीज, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। ओके ओके, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ, पीटो इसे। गोली ज़्यादा काम नहीं करा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बीटल है। ओके, पीटो 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 पीटो, अभी नहीं, निकलो यहाँ से, निकलो 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 निकलो। ओके, मैं थोड़ा ना डंडे के पास जाता हूँ, अगर आएगा तो। ये प्लीज इधर आ जा भाई, थोड़ा बहुत चल के आ जा, अगर चलता है तो। तू थोड़ी सी मारियो, मत मारियो, मत मारियो, मत मारियो, मत मारियो, मत मारियो, मत मारियो। ओ पढ़ाई से कुछ, पढ़ाई से, अच्छा नहीं, वो अंदर जा रहा है। ओके, कहाँ से आएगा भाई, कितना बड़ा मैदान है। ओके, इधर ही आ रहा है, मेरा डंडा शायद से लगा होगा, मैं पीछे की साइड पे चलता हूँ। ओ नहीं, ओ कैसे अब आया ये? नहीं वो यार, प्लीज़ मैं डोज भी नहीं कर पाऊँगा, आ जाओ जल्दी से। अबे नहीं यार, प्लीज़ डोज मुझे करने दियो, करने दियो। पीछे पीछे, अबे वेट, ये अंदर कहीं पे घुस जाता है, अब तो बाहर ही नहीं आ रही है। बचो भाई, क्या है ये? Hiding like it, like a coward again. हाँ वही तो। Oh wait, क्यों ये ड्रम क्यों बजा रहे हैं? अब किसको बुलाने का बाकी है भाई? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया गाइस, ये रैट ना हमारी मदद कर रहे हैं। वैसे तो ये अंदर छुप जाता है, बट वो ड्रम बजाता है ना, तो इसको कानों में दिक्कत होती है, एंड ये बाहर आ गया। ओके, अब मुझे इसकी शायद से ऊपर जाना है। अबे प्लीज़ यार, ऊपर चढ़ ले जल्दी से। वो देखो ऊपर ना आंखें चमक रही हैं। ओके हाँ, एग्जामिन गाइस, मैंने ऐसे ना भाई वो कलेक्ट करी थी इनकी आंखों से, बुद्धा की आंखों से।
अब हमें बुद्धा आई मिल चुकी है। ओके ऑलराइट आई विल जॉइन यू। हाँ आजा भाई आजा बड़े यार, देख मेरी साइड पे रहियो, मेरी साइड पे प्लीज प्लीज मेरी साइड पे रहियो। ओ लेट्स गो भाई, ये हमारे साथ रह के लड़ेगा भाई। अब तो ये हार जाएगा, अब तो भाई हार जाएगा भाई, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे जिंदा रहना पड़ेगा फाइट में। मार इसको, ओ मार रहा हूँ भाई, सही मार रहा है। ओके अबे तेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया मूव है, मार इसको। लेट्स गो, मार रहा है भाई मार रहा है, उसको घेर दिया उसको घेर दिया। ओ वो उल्टा हो गया, मारो इसे मारो। ले मैंने स्टैचू कर दिया, चल मार इसे। ओके मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, मैं पीछे हटता हूँ। ओ नहीं ओ नहीं नहीं गैस, वो गया कहाँ पे? ओह वो जमीन में गड़ा हुआ था भाई। ओके चार्ज करते हैं। अबे नहीं यार मेरा चार्ज खत्म हो गया क्योंकि वो उल्टा हो गया। चलो चलो फटाफट से भागो। ओके इतना ही मार दे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम हरा सकते हैं भाई, मुझे तो निकलने दे। ओके रेड टाइड, मैं नहीं चाहता भाई ये मौका गुम हो जाए। ओके फटाफट से मारते हैं, लेट्स गो। ये क्या कूबन इज ओवर, यानी कि भाई जायंट बीटल। ओ नहीं ये अभी भी जिंदा है। ओ नहीं गाइस रेड ने बचा लिया भाई, ये अब अपनी साइड है। ओ गाइस देखो इसके पास ना हवा को कंट्रोल करने की पावर है, एंड ये रेत को भी कंट्रोल कर सकता है, एंड इसने ऐसे उसको बाहर निकाल दिया। एंड भाई कितनी ज्यादा भयंकर लड़ाई हो रही है इन दोनों की। ओ अच्छा ये बुद्धा की मूर्ति उतार रहा है मे बी। नहीं नहीं मार दिया भाई उसको, मार दिया। बट गाइस यार ये मत कहना, अब इससे मुझे फाइट करनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि ये है तो अभी भी विलन, क्योंकि मुझे देख रहा है ये भाई। देख यार तुझे एक बार हरा दिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब तुम मेरे साथ आ गए ना, अब तुम मेरे साथ ही रह, प्लीज़ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। On the folks' behalf, I thank you. ओ भाई आखिरकार हम दोस्त बन चुके हैं, वो अपना सबक सीख चुका है भाई। लेट्स गो, उसने थैंक यू बोला हमें, मज़ा आ गया गाइस फाइट करके। तो लिटरली कितने ज़्यादा बड़े बेटे से फाइट करी है, एंड हमने पहली बारी में इसको डिफीट कर दिया। एंड सबसे मज़ा तो यहाँ पे था भाई, जिसको हमने डिफीट करा वही आखिर में हमारा दोस्त बन गया। एंड अब हम बाहर आ चुके हैं इस गेट से। ओके वेट, विंड टेमर की मुझे यहाँ पे स्पेल मिली है। ओके शायद से हम इसको हवा, ओके तो इस स्पेल से शायद से हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके कोई नहीं इसको यूज़ करके देखेंगे। एंड मुझे स्काई प्रिसिंग का हॉर्न भी मिला है, अब इसके अंदर जा सकता हूँ मैं? नहीं यार ये देखो सेम ना ऐसा ही था जब मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट अब नहीं मैं इसके अंदर जा सकता। एंड भाई और भी हिडन प्लेस हो सकती हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी जगह हो सकती हैं। और रेड गाइस फिलहाल के लिए हम आइस वैम में चलते हैं। अभी तो देखो यार मुझे ये दो लोकेशन पता चली थी जहाँ पे सीक्रेट कुछ चीज़ें थी। ओके एक यहाँ पे न्यू क्राफ्ट आर्मर का आया है, बट पहले ना आइस वैम में चलते हैं, वहाँ पे और भी अच्छे से दिखेगा क्योंकि भाई वहाँ का इन्वायरमेंट वाइट है। लेट्स गो। तो ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं वापस से चैप्टर 3 में, यानी कि स्नो बायोम में। अब चलो भाई यहाँ पे देखते हैं श्राइन वगैरह पे हमें क्या कुछ मिला है, उस सीक्रेट वगैरह ये ओपन करके। पहले तो यहाँ पे क्राफ्ट आर्मर में कुछ आ रहा है। ओके तो क्राफ्ट आर्मर, ओ वेट हाँ ये एक न्यू कैप मिली है, कैप नहीं मतलब कि ये चाइनीज टोपी होती है, तो मैंने देखा ही होगा।
एंड भाई इससे अपना डिफेंस प्लस 5 हो जाएगा। लेट्स गो, फटाफट से इसको क्राफ्ट करते हैं। एंड अपने हैंड पे भी कुछ आया है तो हैंड पे चेक करते हैं क्या आया है। वो भाई जो बीटल के हैंड थे ना वो हमें मिल चुके हैं। बट यार इसको भी मैं क्राफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोल्ड आयरन लीव्स चाहिए। ओके अबे यार इसके लिए भी यही चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, इनको बाद में बना लेंगे। बट अभी के लिए ये देखो भाई मैं क्या बन चुका हूँ। अब लग रही है ना पूरी चाइनीज गेम। ओके और राइट चलते हैं आगे साइड पे। हेलो अंकल जी क्या हाल चाल। पहली फुर्सत में ये जिंदा है। ये इसको तो ऐसे पड़ेगा है। ऑल राइट गाइस हम वहीं पे आ चुके हैं जहाँ से हमने गेम को शुरू किया था। तो फटाफट से ना एक बारी मंदिर के अंदर चल के देखते हैं भाई। तो अब फटाफट से आगे चल के देखते हैं भाई क्या कुछ न्यू हमें मिलने वाला है। और गाइस जो और चीज़ें होंगी ना चैप्टर 1 और 2 में सीक्रेट प्लेस वो मुझे तुम कमेंट करके बताना क्योंकि अभी तो मुझे यही पता थी। एंड ये फिर से आ गया हैं, दो कोड़ी का है नहीं तो। एंड मैं भी ढूंढता रहूँगा अगर मुझे कुछ मिलता रहता है तो। ओके गाइस यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मंदिर लग रहा है ये तो। वेट यहाँ पे क्रेन का स्टैचू है एंड कितने सारे चमगादड़ उड़ गए मतलब बैट। काफ़ी टाइम से ये बंद है क्या, इसको तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं। एंड वेट यहाँ पे फिर से ये स्टैचू बने हुए हैं। ओए तू जिंदा है हैं, तू भी क्यों नहीं सोता इनके जैसे। ऑल राइट गाइस तू तो जिंदा नहीं है ना। ओके वेट भाई ये कोई न्यू बंदा है एंड इसकी पूंछ है भाई। ये कोई न्यू बंदा है एंड बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा है मुझे। एंड इसकी पूंछ है भाई। वेट 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 हेलो सर। ओए जैसे कि मैंने सोचा था ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। पहले तो तू मर। वेट हम भी डंडे बाज हैं अगर तू तो, अबे तेरे ज्यादा मस्ती नहीं चढ़ रही है। ओके लेट्स गो रेड टाइड के मजे लेते हैं। अब तुझे समझ आएगा भाई बराबरी का मुकाबला होता क्या है। अब ये खा तू कैसे रही हैं अंकल जी। अबे भाई वो तो सो गया। ऑल राइट गाइस आगे की साइड भी चलते हैं। एंड यहाँ पे सोल है, चलो ये तो वो बोतल भरने के लिए है। बट यहाँ पे एक न्यू डोर है। ओके पहले तो मैं चेंज करता हूँ क्योंकि ऐसे नहीं खुलेगा। ये ओपन करने के लिए है यहाँ पे? नहीं ये ओपन नहीं होगा। तो ओके गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये गेट तो खुल नहीं रहा है बट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं यहाँ से हमें आगे किस साइड पे जाना है। एंड भाई लिटरली आज तो मजा आ गया सीक्रेट बॉस से फाइट करके। एंड सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट तो भाई मेरी बीटल के साथ थी। एंड जो उस रैट ने हमारी मदद करी ना उस बीटल को डिफीट करने में, मैं तो बिल्कुल भाई हैरान हो गया उसने कैसे मदद कर दी। बट भाई आखिरकार वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो ओके गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें आज की वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना। एंड राइट साइड में आ रही है इस गेम की पूरी सीरीज जहाँ पे सारे एपिसोड है। एंड लेफ्ट साइड में आ रही है अपनी पाल वर्ल्ड एंड माइनक्राफ्ट की सीरीज, तुम उनको भी इंजॉय कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बफी गैंग इज ऑन।